हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका केदारनाथ में। तो आज के वीडियो में जो न्यू अपडेट आया है वो यह है कि मौसम बिल्कुल साफ है और जो जितने भी हमारे भाई बहन दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और यहाँ पर बस थोड़ी सी आपको ये है कि अब आपको गर्म कपड़े आपको ज़्यादा लाने होंगे कि यहाँ पर बर्फबारी होने के कारण अब सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा। वैसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप ना ही आपको कोई ट्रैकिंग में कोई दिक्कत होगी और यहाँ पर अगर आपको सीधे गर्भगृह के दर्शन होंगे कि मौसम साफ है और भीड़ बहुत यहाँ पर कम है। और जैसे ही यहाँ पर मौसम साफ हुआ है तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा चालू कर दी गई है और यहाँ पर आप यात्रा के लिए आप पैदल भी आ सकते हैं और आप पैदल नहीं आ सकते हैं तो आप खच्चर पे भी आ सकते हैं और खच्चर पे भी नहीं आ सकते हैं आप तो आप हेलीकॉप्टर पर भी यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। सब तरह की सुविधाएँ हैं कि मौसम साफ होने से अब यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मैं बता दूँ, जो ये सोच रहे हैं कि हम नवम्बर में जाएंगे दर्शनों के लिए तो उस समय आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। नवंबर के महीने में यहाँ पर ज़बरदस्त स्नोफॉल होने होगा और ये बात बिल्कुल पक्की है कि आप नवंबर के महीने में आते हैं तो आप शायद यात्रा ना कर पाएं। स्नोफॉल होने का मतलब ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा होगी और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस समय अक्टूबर का महीना चल रहा है और यह यात्रा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर स्नोफॉल होना था वो हो लिया है और अब मौसम विभाग के हिसाब से अब यहाँ कोई ना स्नोफॉल होगा ना कोई बारिश होगी। और जैसे यहाँ पर मौसम साफ हुआ है तो यहाँ पर विकास कार्यों में काफ़ी तेज़ी ला दी गई है। थोड़े समय में ही इस केदार सिटी को इतना खूबसूरत बना दिया जाए कि देश विदेश के आने वाले भी भक्त यहाँ पर कहें कि पहाड़ों के बीचों बीच इतना सुंदर भव्य मंदिर उन्होंने आज तक नहीं देखा। और दोस्तों, हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, उनकी पहल के ही कारण आज यह मंदिर एक सक्षम मंदिर बन पाया है और यहाँ पर बहुत तेज़ी से विकास कार्य चल रहे हैं उनके ही कारण। और कितनी सरकारें आई कितनी गई, किसी ने इस मंदिर की तरफ ध्यान नहीं दिया जितना इस बीजेपी सरकार ने इस मंदिर की तरफ ध्यान दिया है। तो दोस्तों, ऐसे ही धार्मिक वीडियोस के अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जेपी ब्लॉग। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।